वर्कशॉप में जो है एक चार्जिंग स्टेशन बनने जा रहा है, जिसमें दो बसें जो हैं एट ए टाइम चार्ज हो जाएंगी। जैसे जैसे जरूरत पड़ती चलेगी वैसे चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी को और बढ़ाया जाएगा। ये इसके मद्देनज़र किया जा रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में और जल्दी ही HRTC हमीरपुर को जो है इलेक्ट्रिकल बसें मिलने वाली हैं। कितनी मिलनी है वो अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, परंतु जिस हिसाब से सरकार के द्वारा हेड ऑफिस शिमला के द्वारा यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, तो इससे हमें लगता है कि जल्दी ही इस डिपो को जो है इलेक्ट्रिकल बसें आएंगी। चार्जिंग स्टेशन का फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ढांचा तैयार किया जा रहा है, तो उसके ऊपर लगभग 84 लाख रुपये का खर्चा जो है इसके ऊपर किया जा रहा है। साथ में एक छोटी सी कैंटीन भी बनाई जा रही है वर्कर्स के लिए, जहाँ पर चाय पान का कार्यक्रम रहा करेगा।